So guys, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो और किस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग करके रोजाना 1,000 से 2,000 रुपए कमा सकते हो। अगर आप भी एक बिगिनर हो, अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की और ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हो तो मेरे भाई आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए। इस वीडियो को वॉच करने के बाद ग्रो एप्लीकेशन को आप प्रॉपर तरीके से यूज करना भी सीख जाओगे, साथ ही साथ किस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जाती है वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो ए टू जेड डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बेसिक से लेके एडवांस एक लाइव ट्रेड के साथ बताने की और सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप गाइस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलिए अब बिना कोई वक्त बर्बाद डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको ग्रो एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ग्रो का डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। अब अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन में डीमैट अकाउंट बनाया जाता है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस आपने उसको अप्लाई करना है। केवल 10 से 15 मिनट में आप अपना ग्रो एप्लीकेशन का डीमैट अकाउंट ओपन कर लोगे। अब जैसे गाइस आप ग्रो एप्लीकेशन में डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब ग्रो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर ऊपर की ओर आपको टॉप पर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स जैसे ऑल इंडाइसेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिनमें हम इजीली ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो आपको बहुत सारे इंडाइसेस देखने को मिलते हैं, किसी भी इंडेक्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो। बस सिंपल उसको सेलेक्ट करना है और इजीली गाइस आप चार्ट को देखकर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे आपको एक्सप्लोर सेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपको वो सभी स्टॉक रिकमेंड किए जाते हैं जो आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको प्रोडक्ट एंड टूल का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें FNO, इवेंट्स, IPO, ऑल स्टॉक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको दो और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, गेनर्स और लूजर्स। अब इनका क्या मतलब होता है, तो गेनर्स में गाइस वो सभी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक आपको देखने को मिलते हैं जो आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे, यानी कि गेन कर रहे। सेम उसी तरीके से आपको लूजर्स का सेक्शन देखने को मिलता है, यहां पर भी आपको सेम उसी तरीके से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स देखने को मिलते हैं जो आज के दिन लूज कर रहे, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको टॉप इंट्राडे स्टॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जो भी आपका ब्रोकर होता है वो आपको कुछ स्टॉक रिकमेंड करता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो आप इन स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इनमें आप इजीली इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी पैसे कमा सकते हो। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, इसके ऊपर फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर से करना। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं आपको ये फुल डेडिकेटेड वीडियो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको स्टॉक इन न्यूज का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो जो भी स्टॉक न्यूज में चल रहे वो सभी आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो साइड में आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर भी एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनती है, वो भी मैं आगे आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे गाइस स्टॉक सेक्शन की कि किस तरीके से गाइस आपको ग्रो एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है और किस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, ऊपर आप देख सकते हो आपको इंडेक्स देखने को मिलते हैं, जिस भी इंडेक्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको आपने सेलेक्ट करना है और इजीली गाइस आप चार्ट को देखकर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अब अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में आपको निफ्टी 50 में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि एज कंपेयर टू निफ्टी 50 बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल रहता है, जिसमें गाइस लॉस और प्रॉफिट करने के चांसेस ज्यादा हाई होते हैं। तो ये आपने रिस्क नहीं लेना है, स्टार्टिंग में बस निफ्टी 50 सेलेक्ट करना है और कम क्वांटिटी से, कम लॉट से, कम कैपिटल से आपने लर्निंग के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। तो आज यहां पर हम बैंक निफ्टी सेलेक्ट करेंगे और बैंक निफ्टी में ही गाइस मैं आपको एक ट्रेड लेकर बताऊंगा जिसमें हम देखेंगे हमें आज प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो हमने बैंक निफ्टी को सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर ऊपर की ओर आप देख सकते हो आपको बैंक निफ्टी की करंट प्राइस देखने को मिल रही है, जो कि 50,870 के आसपास चल रही है, और नीचे आप देख सकते हो यहां पर आपको इसका चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। फिर नीचे आप देख सकते हो यहां पर आप 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, तो यहां से गाइस आप बैंक निफ्टी का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो कि किस तरीके से बैंक निफ्टी ने ओवरऑल परफॉर्मेंस किया है। फिर उसके बाद नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको एक ओवरव्यू का सेक्शन देखने को मिलता है, जहां पर आपको सबसे पहले परफॉर्मेंस का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हो आपको टुडेज लो और टुडेज हाई का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहां पर आज बैंक निफ्टी की सबसे नीचे जो प्राइस गई थी वो 50,092 थी और जो हाईएस्ट प्राइस गई है वो आप देख सकते हो कितनी थी, 50,990 थी। फिर उसके बाद 52 वीक लो और 52 वीक हाई का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो यहां पर आपको निफ्टी बैंक कंपनीज देखने को मिलती है कि आखिर निफ्टी बैंक में वो आखिर कौन कौन सी कंपनीज आती है जिस पर निफ्टी बैंक
बैंक चलती है वो सभी आपको यहाँ पर कंपनी स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। सी ऑल के ऊपर क्लिक करके आप इनका परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे आप थोड़ा स्क्रोल करोगे तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स देखने को मिलती है। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए गाइस आपको ओवरव्यू सेक्शन में ज्यादा कोई भी यहाँ पर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है। एनालिसिस आपको कहाँ करनी होती है तो चार्ट में करनी होती है। किस तरीके से आप बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न देख सकते हो और किस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ से मार्केट की प्राइस ऊपर जा सकती है नीचे जा सकती है और किस तरीके से आप प्रॉफिट कर सकते हो ट्रेडिंग करके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप सीधे बैंक निफ्टी के कैंडलस्टिक ग्राफ पैटर्न पर रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहां पर आप देख सकते हो कैंडल आपको मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब मार्केट ओपन है। अब सबसे पहले आपको समझना है मार्केट कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है। तो सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है और दोपहर में गई 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। तो अभी आप देख सकते हो 3:04 हो रहे, लगभग गई 25 मिनट के बाद यहां पर मार्केट क्लोज हो जाएगा और फिर यहां पर हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब चलिए गाइस यहां पर हम थोड़ा सा चार्ट का एनालिसिस करते और देखते यहां से मार्केट क्या ऊपर जा सकता है या फिर नीचे। और अगर गाइस आप डिफरेंट चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हो, उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर से करना, मैं आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर भी एक फुल डेडिकेटेड वीडियो जरूर से प्रोवाइड करूंगा। तो आप देख सकते हो गाइस यहां पर जो प्रीवियस मार्केट सैटरडे को यानी कि फ्राइडे को मार्केट यहां पर क्लोज हुआ था, उसके बाद गाइस आज जो मार्केट मंडे को यहां पर ओपन हुआ है तो कितना यहां पर गाइस हमें गैप अप देखने को मिल रहा है, यहां पर मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूं। तो सिंपल यहां पर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और आप देख सकते हो यहां पर गैप अप इतना हुआ है। कितना हुआ है? लगभग 1600 पॉइंट मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद भी गाइस कैंडल ग्रीन फॉर्म हुई थी। आप देख सकते हो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ब्रेक गाइस गैप अप हुआ है आज। साथ ही साथ जो फर्स्ट कैंडल भी मार्केट में फॉर्म हुई वो अच्छी खासी यहां पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला बट ग्रीन ही कैंडल यहां पर हमें एंड में देखने को मिली। फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है, फिर यहां से मार्केट एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेते हुए आप देख सकते हो ऊपर की ओर अप ट्रेंड फिर से पकड़ता है, फिर यहां पर मार्केट साइडवेज होता है और अभी भी स्टिल आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज है। अब इस साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होती है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सिखाना है तो एजुकेशन पर्पस के लिए गाइस यहां पर हम क्या करेंगे ट्रेड में एंट्री बनाएंगे और देखेंगे कि यहां पर हम साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट कर पाते या फिर नहीं। अभी फिलहाल आप देख सकते हो ये कैंडल जो है ये ऊपर की ओर निकल रही है यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी की प्राइस बढ़ रही है। अब गाइस प्राइस बढ़ रही है तो आपको क्या बाय करना है, प्राइस घट रही है तो आपको क्या बाय करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको लगता है यहां से इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है तो आपने कॉल ऑप्शन को बाय करना होता है। अगर आपको लगता है कि यहां से इसकी प्राइस गिर सकती है रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है तो आपने पुट बाय करना होता है। अब किस तरीके से और कहां से आप कॉल और पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो तो बहुत ही सिंपल है। नीचे आपको ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपल इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और हां मुझे पता है यही पर जो बिगिनर होते कंफ्यूज हो जाते, समझ नहीं आता है कौन से ऑप्शन को बाय करना है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, किस तरीके से गाइस यहां पर कॉल को बाय किया जाता है, पुट को बाय किया जाता है और प्रॉफिट किस तरीके से किया जाता है, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो टेंशन ना लो, अगले कुछ ही मिनटों में आप ऑप्शन चेन को भी अच्छे से एनालिसिस करना सीख जाओगे। चलिए शॉर्ट में मैं आपको बता दूं किस तरीके से यहां पर आपको ये ऑप्शन चेन को डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहले गाइस आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में होती है कॉल प्राइस, वही राइट साइड में होती है पुट प्राइस और मिडल में आपको जो प्राइस देखने को मिलती है इसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के एग्जैक्ट मिडल में जो बोल नंबर आपको देखने को मिलते हैं इसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। क्लियर? यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सभी कुछ समझ आ चुका होगा। लेफ्ट साइड में होती है कॉल प्राइस, राइट साइड में होती है पुट प्राइस, मिडल में होती है स्ट्राइक प्राइस और एग्जैक्ट मिडल में आपको जो बोल नंबर देखने को मिलते हैं उसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। अब कॉल साइड में स्पॉट प्राइस के ऊपर के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम इन द मनी कहते हैं, वही स्पॉट प्राइस पर जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम एट द मनी कहते हैं और स्पॉट प्राइस के नीचे के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। वही बात की जाए पुट साइड की तो पुट साइड में एग्जैक्ट अपोजिट होता है, स्पॉट प्राइस के नीचे के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम इन द मनी कहते हैं, स्पॉट प्राइस पर जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम एट द मनी कहते हैं, वही स्पॉट प्राइस के ऊपर के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। क्लियर? अब बात की जाए अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल साइड की किस ऑप्शन को बाय करना है तो आपको प्रॉफिट होगा, वही ग्राफ नीचे जा रहा है तो पुट साइड की किस ऑप्शन को आपको बाय करना होगा, किस स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम को बाय करना होगा तो अब आपको यहां पर प्रॉफिट होगा। तो बहुत ही सिंपल है। देखो यहां पर क्या होता है, आपकी कैपिटल जितनी है उस हिसाब से गाइस यहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हो, उस स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हो और प्रॉफिट कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास 10,000 है तो 10,000 से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मान लीजिए यहां पर मैं एट द मनी को सिलेक्ट करूंगा, बाय के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो एक लॉट बाय करने के लिए मुझे कितने 12,000 रुपीज देने होंगे। वही गाइस मेरे पास मान लीजिए 10,000 रुपीज है, 12,000 नहीं है तो मैं क्या करूंगा थोड़ा सा नीचे आता हूं, यहां पर बाय के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहां पर 9,700 यानी कि लगभग 10,000 रुपीज में मैं इसका एक लॉट बाय कर सकता हूं। तो ये बाय करो या फिर
फिर गाइस आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा सा गाइस इसमें क्या होता है, एट द मनी या फिर इन द मनी में प्रॉफिट आपको ज्यादा देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू आउट ऑफ द मनी। बाकी गाइस सेम होता है, जब भी आपको लगे ग्राफ ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड की किसी भी ऑप्शन को आप बाय कर सकते हो, जब भी आपको लगे ग्राफ नीचे जा रहा है तो पुट साइड के आप किसी भी ऑप्शन को बाय कर सकते हो। अब गाइस यहां पर आप देख सकते हो ऊपर की ओर आपको कुछ डेट्स नजर आते हैं, जैसे कि 5 जून, 12 जून, 19 जून, यहां पर आप देख सकते हो 26 जून। तो ये डेट क्या होती है, तो ये डेट एक्सपायरी डेट होती है। इस डेट को गाइस ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एक्सपायर हो जाते हैं और प्रीमियम की प्राइस लगभग जीरो हो जाती है। अब गाइस एक्सपायरी के दिन जीरो टू हीरो ट्रेडिंग किया जाता है। अगर आप जीरो टू हीरो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो, इसमें मैंने आपको फुल बेसिक से लेकर एडवांस सिखाया कि किस तरीके से आप जीरो टू हीरो ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। अब इसके अलावा गाइस आप देख सकते हो आपको साइड में एक वाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, इससे गाइस आप मार्केट में एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है वो पता लगा सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने आपको फुल डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो, आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए फिर अब गाइस यहां से हम चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न पर, और यहां पर गाइस हमें देखना है मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, कॉल में एंट्री बन सकती है या फिर पुट में। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो लगभग गाइस मार्केट साइडवेज ही है और यहां पर गाइस अभी फिलहाल इसने जो इसका हाई था उसको ब्रेक किया है और मार्केट ऊपर की ओर निकल पड़ा है। तो अभी यहां पर मुझे क्या लग रहा है, इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है, तो मुझे क्या करना है, कॉल ऑप्शन को बाय करना है। तो चलिए यहां से मैं आता हूं ऑप्शन चेन पे और यहां पर गाइस हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहां पर मैंने ये 489.86 वाले कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट किया है, बाय के ऊपर मुझे क्लिक करना है और आप देख सकते हो इसकी प्राइस आपको ऊपर देखने को मिल रही है 488, 89, 91, 94। जिस तरीके से प्राइस ऊपर जाएंगी उतना गाइस इसकी भी प्राइस इंक्रीज होगी और आपको उतना प्रॉफिट होगा। फिर नीचे आप देख सकते हो आपको डिलीवरी और इंट्राडे के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। डिलीवरी में आप जो भी ट्रेड बाय करते हो उसे गाइस आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, वही गाइस अगर आप इंट्राडे में ट्रेड बाय करते हो तो उसे आपको सेल भी आज के दिन करना होता है। तो ये डिफरेंस होता है डिलीवरी और इंट्राडे में। वही बात की जाए नीचे क्वांटिटी की, तो आप देख सकते हो यहां पर आपको लॉट के हिसाब से क्वांटिटी बाय करनी होती है। एक लॉट में बैंक निफ्टी के 15 क्वांटिटीज होती है, तो आप लॉट के हिसाब से क्वांटिटी बाय कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो एक लॉट मैंने सिलेक्ट किया है 15 क्वांटिटी, प्लस करूंगा मैं यहां पर दो लॉट हो जाएंगे 30 क्वांटिटी, फिर प्लस करूंगा आप देख सकते हो यहां पर तीन लॉट हो जाएंगे लगभग 45 क्वांटिटी। तो यहां पर गाइस हमें क्या करना है, एक लॉट बाय करना है, तो उसके लिए गाइस आप देख सकते हो हमें कितना यहां पर अमाउंट देना है, 8160 के आसपास यहां पर हमें अमाउंट चाहिए, बट अभी फिलहाल 6200 रुपीज मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा और नीचे वाला यहां पर कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करूंगा, 240 वाला हम सिलेक्ट करते, बाय के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और आप देख सकते हो यहां पर केवल 4000 रुपीज मुझे यहां पर एक लॉट के लिए चाहिए और 4000 रुपीज में गाइस मैं यहां पर एक लॉट इसका बाय कर सकता हूं। तो अभी फिलहाल गाइस हमें क्या करना है, एक लॉट से ट्रेड को बाय करना है। तो उसके लिए गाइस नीचे आप देख सकते हो बाय बटन मुझे देखने को मिल रहा है, सिंपल इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करते ही इस ट्रेड में मैं एंटर हो जाऊंगा। और पहले गाइस मैं आपको बता दूं एजुकेशन पर्पस से यहां पर हम इस ट्रेड को ले रहे हैं, कोई भी प्रॉफिट या लॉस मैं आपको नहीं बता रहा हूं, यानी कि गाइस इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, प्रॉपर यहां पर मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, बट फिर भी गाइस आपको सिखाने के लिए मैं ये ट्रेड बाय कर रहा हूं। तो चलिए गाइस यहां पर मैं बाय के ऊपर क्लिक करता हूं और आप देख सकते हो बाय ऑर्डर कंप्लीटेड लिखा आ चुका है। जैसे गाइस यहां पर मैं डन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो यहां पर जो पहला मेरा प्रॉफिट है वो भी गाइस, अगर इस ट्रेड में मुझे लॉस होता है तो वो भी यहां पर लॉस में जा सकता है। तो हमने एंट्री बनाई है कुछ यहां पर और यहां से गाइस अगर मार्केट नीचे आता है तो हमें अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिल सकता है और अगर ऊपर जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट और लॉस आप कैसे चेक कर सकते हो, तो पोजीशन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हो जिस ट्रेड में आपने एंट्री बनाई है एक लॉट से वो अभी आप देख सकते हो 18 रुपीज, 32 रुपीज, 54 रुपीज, आप देख सकते हो 62 रुपीज, कुछ इस तरीके से 75 रुपीज का मुझे यहां पर इस ट्रेड में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 250 रुपीज की प्राइस पर हमने एंट्री बनाई है और अभी फिलहाल 256 रुपीज के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फटाफट से स्टॉप लॉस यहां पर ऐड करेंगे, 250 पर हमने एंट्री बनाई है ना, तो यहां पर गाइस हम इसको स्टॉप लॉस सेट करेंगे लगभग गाइस 240 का। तो यहां पर आपको ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर यहां पर आप देख सकते हो आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस देखने को मिलती है, सिंपल इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर मैं 240 एंटर करूंगा। फिर टारगेट प्राइस यहां पर हमें चाहिए 300 का, तो लगभग गाइस यहां पर मैं 300 एंटर करूंगा और सेल के ऊपर यहां पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं सेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर गाइस हमारा जो स्टॉप लॉस है और टारगेट है वो सेट हो चुका है। अब गाइस इसकी प्राइस 240 तक आ जाती है तो ऑटोमेटिकली इस ट्रेड से हम एग्जिट हो जाएंगे, या फिर इसकी प्राइस 300 तक जाती है तो ऑटोमेटिकली गाइस हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा और प्रॉफिट बुक करके ऑटोमेटिकली इस ट्रेड से हम बाहर हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो 258 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है, इसके चलते अभी फिलहाल आप देख सकते हो लगभग मुझे यहां पर 78 रुपीज,
₹50-60 के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब गाइस यहां पर आपने क्या करना होता है, ट्रेड को ज्यादा होल्ड नहीं करना होता है। अगर आपका परफेक्ट सेटअप बन रहा है तभी आपने होल्ड करना है, अदरवाइज गाइस आपने यहां पर क्या करना है, स्कैल्पिंग करना है, और स्कैल्पिंग करके भी गाइस आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो 50 पर बाय किया और यहां पर इसकी 66-67 आप देख सकते हो प्राइस चली गई है। लगभग गाइस 70 तक हम वेट करेंगे और यहां पर इससे हम बाहर हो जाएंगे। इससे ऊपर भी इसकी प्राइस जा सकती है, बट इससे ज्यादा गाइस यहां पर हमें रिस्क नहीं लेना है। तो अभी आप देख सकते हो इसको मैंने सेल किया है, सेल ऑर्डर कंप्लीटेड लिखा आ चुका है। डन के ऊपर मैंने क्लिक किया है और आपको लाइव प्रूफ के साथ गाइस मैंने ट्रेड बाय करके भी बताया, सेल करके भी बताया, और उसमें आप देख सकते हो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, ₹272 का हमें यहां पर इस ट्रेड में प्रॉफिट भी हुआ है। और जो हमने सुबह ट्रेड लिया था उसमें गाइस आप देख सकते हो हमें लगभग ₹1,746 का प्रॉफिट हुआ था, और ऊपर की ओर गाइस आप देख सकते हो आज का जो मेरा टोटल रिटर्न है वो ₹2,018 है। अब गाइस यहां से मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेरा यहां पर प्रॉफिट हो चुका है। अब मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा और यहां पर मार्केट को क्लोज करूंगा, एप्लीकेशन को क्लोज करूंगा, फिर कल आऊंगा और फिर गाइस यहां पर मैं 1-2 ट्रेड लेकर प्रॉफिट करूंगा। जो भी हो, प्रॉफिट और लॉस हो, आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बस ये बात आपने ध्यान में रखना है, कम क्वांटिटी से, कम लॉट से, लर्निंग के साथ गाइस आपने यहां पर ट्रेड लेना है, 1-2 ट्रेड लेना है, प्रॉफिट और लॉस हो बस आज के लिए स्टॉप करना है, फिर कल आना है, सेम इसी तरीके से ट्रेडिंग करना है। और इसी तरीके से गाइस अगर आप ये रूल फॉलो करते हो ना तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो इस तरीके से गाइस आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक लाइव डेमो के साथ, लाइव ट्रेड के साथ सिखाया कि किस तरीके से आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करके रोजाना ₹1,000-2,000 कमा सकते हो। बाकी गाइस ऑर्डर डिटेल के लिए आपको ऑर्डर सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, ब्रोकरेज चेक करने के लिए आपको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है, आप ब्रोकरेज चार्जेस भी देख सकते हो। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक मुझे बहुत 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 मोटिवेट करता है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।